सूरज को चिराग देने के मुतरादिफ। लेकिन यहाँ पे आज आंधी तस्वीर देख रहा हूँ, तो कहाँ अहमद हुसैन एक नालायक स्टूडेंट और कहाँ पे आप जैसे अजीम शख्सियत। तो मैं 2 मिनट आपका ले रहा हूँ और बाकी स्टेज पे बोल बड़ी बड़ी शख्सियत और प्रोग्राम को जज करेंगे कि कितना मतलब आप कितने परसेंट कामयाब हो चुके हैं, वो अलग बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 ममालिक से ज़्यादा हमारी आवाज वहाँ तक पहुँच गई है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लोग कह रहे थे कि ये मरकजी प्रोग्राम है, मैंने कहा नहीं सूबाई प्रोग्राम। कहते कि जो आप इश्तहार कर रहे हैं बिल्कुल इस तरह लग रहा है कोई मरकज दायरा अदब यहाँ पे प्रोग्राम पेशावर में अरेंज कर रहे हैं। अगरज मकसद यही है कि तामीरी अदब शऊरी अदब का मैं जिक्र करूँगा, शऊरी अदब में इजाफा करूँगा। तामीरी अदब इस्लामी अदब और शऊरी अदब जो ना हम उसको प्रमोट करें। लिखते तो हम वैसे भी हैं, रोशनदान हम किस लिए बनाते हैं, वेंटिलेशन के लिए, हवा और रोशनी के लिए। अगर हम अजान के लिए बनाए तो इसमें रोशनी और हवा कोई नहीं रोक सकता है। लिखते तो हम वैसे भी हैं, लेकिन वकलिमतुल्लाह ताकि अल्लाह का कलमा तमाम कलमों पे गालिब हो जाए। इसमें आप नसर निगार हैं, आप ड्रामा निगार हैं, आप तो जो भी किताबें तस्लीम करते हैं सब में होना चाहिए कि हम एक और माशरे में खैर का पहलू आम करें। हमारे जो अकाबरीन हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो बात करेंगे। इसी अरबाज के मैं से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखेगी, अल्लाह ताला आपके एक एक कदम को पे आपको अजर अजीम से नवाजे, दीन से, बुनेल से, पालिया से, पंजाब से और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, मैं शुक्रिया के अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अजीम शान अजर से नवाजे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम।